इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाजपा प्रदेश कार्यालय पर, और आपको बता दें कि आज यहाँ पर भाजपा पूर्वांचल मोर्चा द्वारा जो है सबसे पहले एक सहभोज कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पर पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी स्वयं मौजूद है और जा रहे हैं कश्मीरी फाइल्स दिखाने के लिए। क्या कार्यक्रम था आज का और कितने लोग यहाँ आए हुए? आज सबसे पहले तो सहभोज हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के सभी कार्यकर्ता अपने घर से भोजन लाए और सबने मिलजुल कर भोजन किया, जिसमें माननीय संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी हम लोगों के बीच में जिन्होंने भोजन किया। उसके उपरांत जो विशाल मोटरसाइकिल रैली जो पूरी दिल्ली के अंदर 67 किलोमीटर निकाली गई हजारों की संख्या में, उस रैली पर समीक्षा बैठक हुई और सभी को धन्यवाद दिया गया। इसके उपरांत हम लोग द कश्मीर फाइल देखने जा रहे हैं और इसके अंदर एक विशेषता यह है कि उस दौरान जो लोग पीड़ित थे वो भी हमारे बीच में आज इस फिल्म को देखने के लिए आ रहे हैं। और अभी हमारे बीच में स्मृति जी भी हैं, स्मृति जी हैं, अपनी बहन के साथ आई हैं, उनकी बहन भी आइए एक मिनट आगे आइए। ये कश्मीर से थी, उस दौरान उस दंगों में अपनी जान बचा के इनका परिवार आया और पूर्वांचल में इन्होंने आके अपना विवाह किया और पूर्वांचल ही इनके साथ खड़ा हुआ और इनका सबके परिवार का जीवन बचा। तो इसी प्रकार से आज हम उस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार से हमारे कश्मीरी पंडितों और हिंदू भाइयों पर अत्याचार हुआ है, किस प्रकार से उसको 10% दिखाया गया, 90% तो भी दिखाया ही नहीं गया है। एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, कश्मीर से थी, वो अभी इस कार्यक्रम में आ रही हैं। उन्होंने बताया कि जो फिल्म में चर्चा सुन रही हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा, इससे भी कई गुना ज़्यादा वहाँ अत्याचार हुआ था। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा का कार्यकर्ता अपनी पहचान गमछा भगवा गमछा और भगवा ध्वज लहराते हुए एक महादेव फिल्म सभागार में उस फिल्म को देखने के लिए जा रहा है और वहाँ उन कश्मीरी परिवारों को बुलाया गया है जो उन्होंने उस पीड़ा का सामना किया, जिसमें से हमारे बीच में स्मृति जी, हमारी बहन, हमारे बीच में खड़ी है। तो आज कितने कार्यकर्ता है जो यहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं इस फिल्म को देखने के लिए? क्योंकि उसमें जो है 137 सीटें हैं, 137 या 139 लगभग सीटें हैं, तो पूरा हॉल फुल हो रहना है और बाहर भी लोग रहेंगे। तो इस प्रकार से अभी वहाँ पर जाकर ही फिर इसका स्वरूप निकल कर आएगा। तो आज हम सब लोग द कश्मीर फिल्म देखने जा रहे हैं कि देश में क्या और कैसे हुआ। पूर्वांचल मोर्चा क्योंकि कटिबद्धता, संस्कार और संस्कृति और राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहने वाला एकमात्र मोर्चा है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी की सोच राष्ट्रहित और जनहित के लिए अपने आप को समर्पित करना एकमात्र उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहता है। उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्कारित कार्यकर्ता आज पूरे दिल्ली में सबसे निवेदन भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं और धनानंद और मूर्ख और घमंडी और अहंकारी मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी आमंत्रित किया है हमने। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसका पुतला वहाँ बैठकर फिल्म को देखेगा। वही मेरा अगला सवाल होने वाला था कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा है उस पर आपका क्या जवाब है? केजरीवाल मूर्ख आदमी है, इसको भगवान सद्बुद्धि दें, भगवान श्री राम। और ये जो है ना अहंकार और मद में चूर है, इसको यही नहीं पता कि ये देश और जनता के साथ क्या कर रहा है, ये क्या उद्बोधन दे रहा है, क्या विधानसभा के अंदर बोल रहा है, इसको कुछ नहीं पता। इसका इलाज जनता ऑन रोड करेगी, वोटों के साथ करेगी और सड़क पर स्वागत करके करेगी। कल पूरी दिल्ली में धरना दिया गया, हिंदू विरोधी केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, हिंदू विरोधी केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो, और हिंदू विरोधी केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो। और हमने कहा है अगर तूने असल में अगर अपना कुछ भी पुरुषार्थ रखता है तो रोड पे आ, जनता तुझे बताएगी कि अत्याचार क्या होता है, बलात्कार क्या होता है, नरसंहार क्या होता है, हिंदू परिवारों के साथ कैसे हुआ, इसका जवाब जनता देने को तैयार है। चुनाव आएंगे तो वोटों में देगी, उससे पहले रोडों पे देगी। इस संकल्प के साथ भारत का एक 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 नागरिक, दिल्ली की एक एक जनता इस समय राष्ट्रहित के लिए एकजुट खड़ी है।
जन कल्याण के लिए एकजुट खड़ी है। अब हम सब लोग बढ़ रहे हैं फिल्म सभागार एक महादेव रोड की तरफ, भारत माता की। आपने देखा कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे भारतीय पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी, जो इस वक्त देख सकते हैं कि पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ यहां भाजपा प्रदेश कार्यालय से जा रहे हैं। यही जो एक निकट एक ऑडिटोरियम है, सिनेमा हॉल है वहां, ताकि जितने भी पूर्वांचल के कार्यकर्ता है वो कश्मीरी फाइल्स मूवी जो है वहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं को दिखाई जाएगी। साथ ही कई कश्मीर दंगों के पीड़ितों को भी जो है यहाँ बुलाया गया है, और उसके साथ साथ जो है उन सभी की भी प्रतिक्रियाएं आपने यहाँ देखी कि लोगों में इस मूवी को लेकर कितना जो है जोश रहा है, और किस तरह से ये सभी कार्यकर्ता जो है अब सिनेमा हॉल की ओर बढ़ रहे हैं ताकि ये वहाँ पहुंचे और उसके बाद इनकी मूवी शुरू होगी। जय हिंद, जय भारत। और आज एक सीट हमने खाली रखी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जिन्होंने सदैव वो काम किए हैं जिसकी जनता निंदा करती है। हिंदू विरोधी केजरीवाल, जो कि धरने भी हुआ है कल और हाय हाय भी हुआ है, पर उनको निमंत्रण देने के बावजूद भी वो अभी तक नहीं आए, तो उनका पुतला एक यहाँ पर बैठाया गया है और उनका पुतला इस पूरे द कश्मीर ऑफ फाइल्स को देखेगा। और यहाँ पर आए हुए आदरणीय संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी का अभिनंदन, ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद कुश्ती राष्ट्रीय संघ अध्यक्ष जी का अभिनंदन, और कश्मीर से आए परिवारों का भी अभिनंदन। जय भारत, जय हिंद। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो पीड़ित परिवार कह सकते हैं या जिन्होंने सारी घटनाओं को अपने आप में देखा है, सुना है, सहा है, ऐसे मोहनी जी को और उनके परिवार को सबको हम पूरे मोर्चे की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं कौशल जी को और उनकी पूरी टीम को, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो चाहे पदाधिकारी के रूप में हो, सबको हम अपने तरफ से बधाई देते हैं, अभिनंदन देते हैं कि एक अच्छा प्रयास जो उन्होंने किया है